अरे सुनिए पंडित जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? देखिए, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण और यज्ञ करना तो सीख लिया है। आपके ज्यादा से ज्यादा काम तो मैं ही करता हूँ, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, फिर भी सब आपका ही सम्मान करते हैं और मुझे नाई का लड़का बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, पर तू है तो नाई का ही बेटा ना। हाँ? मैं क्या करता हूँ ना कि मैं किसी दूर कोई गाँव में चला जाता हूँ, वही पूजा अर्चना करूँगा और सम्मान पाऊंगा। ठीक है? क्या कहा, क्या कहा तूने? तू नाई का बेटा पंडित बनकर पूजा करेगा? हाँ? इसमें नहीं करने वाली कौन सी बात है, पूजा करूंगा तो दो पैसे की आमदनी होगी। आप ब्राह्मण हैं और मैं नाई, बस इतना ही तो फर्क है। चलता हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं उस पंडित जी से क्या कम हूँ? सब कुछ तो मुझे आता है, मंत्र उच्चारण भी आता है मुझे, पूजा अर्चना भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ, फिर भी मुझे सब लोग नाई का बेटा ही बोलते हैं। ये लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जीवन भर मुझे उस पंडित जी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। नए गाँव में चला जाऊंगा, सब लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे बुद्धि लगा के मैं धन और मान दोनों कमा लिया। नहीं तो मेरा नाम भी परम नाई नहीं है, नाम बदल के रख दूंगा मैं। बहुत दूर चल के आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। घर में कोई है क्या? मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ, आप? मैं थोड़ा दिमाग लगा के देखता हूँ। नमस्कार, मैं परम शर्मा, मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने के लिए जगह मिल जाए तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, आप दया करके मेरे घर पे रुक जाइए, लेकिन मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे के घर में एक ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो मेरा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। आप आइए ना, मेरे घर पे आइए, मैं खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। वाह वाह, तीर एकदम ठीक निशाने पे लगी है। ठीक है ठीक है, वैसे मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है खाने में। एक दस एक, ग्यारह, एक दस दो, बारह, एक दस तीन। प्रणाम पंडित जी, क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? मैं आपसे कुछ राय लेने आया हूँ पंडित जी। क्या हुआ बोलो? कल रात को नींद के समय मेरा पैर माँ लक्ष्मी के मंदिर के सामने घूम गया था, और मैं जैसे ही हड़बड़ा के उठा तो माँ लक्ष्मी का कलश मेरे पैर से गिर गया। मेरी पत्नी बोलती है कि जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है। ये तो बहुत बेवकूफ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पाप हुआ है तुमसे, जिसको बोलते हैं महापाप, जिसको बोलते हैं हाथ के लक्ष्मी को पांव दिखाना। यज्ञ करना होगा, महालक्ष्मी का महायज्ञ करना होगा, चावल दाल आलू फल ये सब के साथ कुछ रुपए देके जाना, महालक्ष्मी को भोग चढ़ाना होगा। महालक्ष्मी से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, मैं सब देकर जाऊंगा, मैं बिल्कुल सब देकर जाऊंगा। प्रणाम पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। बात ये है कि हमारी एक बेटी है, उसका नाम है अरुणा। हाँ समझा, उसके बाद? दरअसल मेरी बेटी काली है कि शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है उसकी। आप तो पंडित ब्राह्मण हैं, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। वाह वाह वाह, मेरा तो नसीब खुल गया, मेरा तो लॉटरी लग गया, मुझे ब्राह्मण समझ के अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है। ये क्या, ऐसा कभी होता है क्या? मेरे पास तो मेरा खुद का घर नहीं है, मैं तो दूसरे के यहाँ रहता हूँ। हाँ लेकिन मेरे पास मेरे खुद का दो माले का घर है, तो मैं वो सब आपको दे दूंगा, मेरी बेटी से शादी कर लो। देखिए, काली लड़की के साथ शादी करना ऐसी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कन्या वाले और आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है ठीक है, आप लोग शादी की व्यवस्था कीजिए।
ओए ब्राह्मण की बेटी, पहले मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। देखो भाग्यवान, तुम्हारे माँ पिताजी ने बहुत हाथ पैर जोड़ा तब जाके मैं शादी के लिए तैयार हुआ, ये तुम हमेशा याद रखना। मेरा सेवा अच्छे से मन लगा कर करना, और अगर सेवा नहीं की तो कुछ दिन बाद ही तुम्हारी सौतन लेकर आ जाऊंगा। समझ गई ना? ठीक है, अब तुम मेरा पाँव बहुत अच्छे से दबा दो, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द है। क्या हुआ भाई, ये लंबी लाइन लगा कर क्यों खड़े हो? आज देखकर इंसान का भविष्य बता सकते हैं, बहुत बड़े ज्योतिष है वो, पता है आपको, इसीलिए सब लाइन में खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं भी अपना हाथ एक बार दिखा ही देता हूँ, पहले से ही अगर सब कुछ पता रहे तो इसमें बुरी बात क्या है। दिखाओ 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 दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। तुम्हारा तो नसीब बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्या बात है क्या बात है। चंद्र की अवस्था आपको मैंने पहले कभी देखा है ऐसा लग रहा है मुझे, कहाँ मिले होंगे हम? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो इस गांव में नए आए हैं ना? हाँ, याद आया, तुम हमारे गांव के परम नाई हो ना? तुम लेकिन पंडित बन के क्यों घूम रहे हो वो बताओ। अरे चुप 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 हो जाओ, मैं यहाँ पे परम शर्मा हूँ, मैं यहाँ पर पंडित जी बनकर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर ब्राह्मण हूँ। ये क्या बोल रहे हो? और दया करके ये बात किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें ना इसके लिए 10 रुपए देता हूँ। हाँ लेकिन 10 रुपए में कब तक मुंह बंद रखूँ वो बताओ पहले मुझे। ठीक है ठीक है, ये लो 20 रुपए, अब दया करके अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? आइए आइए लक्ष्मी का अवतार, बताइए। मेरे बेटी का हाथ देख के जरा बताएंगे, मेरा दामाद मेरी बेटी से कब प्यार करेगा? आपकी तो एक ही बेटी है, सही कहा ना मैंने? तुम्हारी लड़की काली है और शादी बहुत देर से हुई है। हाँ, आपने सही कहा। अच्छा बेटा, पति बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसलिए तुम बहुत ही दुखी हो, बराबर? आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना पंडित जी, आप कुछ तो कीजिए ताकि मेरा दामाद मेरी बेटी से प्यार करने लगे, मेरी बेटी हमेशा दुखी रहती है। दामाद का नाम क्या है? परम शर्मा, पंडित जी जो है ना हमारे गांव में पूजा करते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लेकिन जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र सिखा रहा हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे पति घर पे आएगा तो एक उस्तुरा लेके एक मंत्र बोल देना, बस पति तुम्हारे बस में हो जाएगा, देख लेना बेटी। एक ही आवाज में भीगी बिल्ली बन जाएगा वो। हाँ ब्राह्मण की बेटी, चाय नाश्ते का प्रबंध करो हमारे लिए। अभी लाती हूँ, ये मिला। वहाँ क्या ढूंढ रही हो तुम, बताओ जरा। ये देखो मिल गया। क्या है ये, उस्तुरा? उस्तुरा लेकर तुम क्या कर रही हो? ज्योतिष ने बोला नाई का बेटा ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण बन के छुप के बैठा, और वो है सबसे बड़ा झूठा। अरे तुम्हें ये सब कैसे पता चला, किसने बताया? ज्योतिष ने मेरा हाथ देख के ये सब मुझे बोलने के लिए बोला। सर्वनाश, ज्योतिषी तो महा बदमाश निकला, मुझसे पैसा भी लिया और सब कुछ बता भी दिया, वो जो भी बोला है। लेकिन तुम अगर किसी को कुछ बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा तुम्हें मारूंगा ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। क्या आप मुझे फिर से मारोगे? फिर मैं बोलूंगी ज्योतिष ने बोला नाइल का बेटा छुप के बैठा, वो है सबसे बड़ा झूठा। मैं बोल दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी। अरे चुप चुप हो जाओ, गांव के लोग जान जाएंगे तो मुझे मारेंगे, मेरा हाथ पांव तोड़ देंगे।
नहीं नहीं, अब मैं तो मजाक कर रहा था बस। तुम तो मेरी अच्छी बीवी हो, मैं क्या तुम्हें कभी मार सकता हूँ? ज्योतिष जी ने तो बहुत अच्छा मंत्र सिखाया मुझे। ये सुनिए जरा, पूरा दिन मैंने बहुत काम किया, अब मैं थोड़ा आराम करूँगी। हाँ हाँ, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अब मेरा पैर बहुत दुख रहा है, आप मेरा पैर दबा दीजिए ना, अच्छे से दबा दीजिए। अरे ऐसी बात है क्या? कहाँ कहाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। रुको, मैं दबा देता हूँ, ठीक है। ये मंत्र में तो अच्छा काम हो रहा है, मगर ये मंत्र का मतलब क्या है? क्या मतलब है?